हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्स ऑलवेज डार्कनेस तो सब लोग आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज इम्पोर्टेंट तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में अगले पंद्रह दिन किस तरह से होंगे सो ऑफकोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल जो डेक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रडिक्शन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी तो चलो देख लेते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या कहते हैं एंड डेफिनेटली आपके लिए अगले पंद्रह दिन किस तरह से होंगे सो so, हम आपकी जो है प्रेजेंट सिचुएशन देखने की कोशिश कर रहे हैं सो यूनिवर्स फिर व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है हाउ इज द प्रेजेंट सिचुएशन सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन उनके वर्तमान हालात किस प्रकार है हाउ इज द प्रेजेंट कंडीशन हाउ इज द प्रेजेंट सिचुएशन ओके सो हमारे पास है वी डू हैव द एट ऑफ कप्स राइट वी डू हैव द सेवन ऑफ स्वर्ड्स यहां पे है द फुल कार्ड यहां पे है द मून कार्ड बॉटम ऑफ द डैग हमारे पास है फोर ऑफ वैंड यहाँ पे है कैंसर पाइश एंड स्कॉर्पियो आई होप आप सारे कार्स आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है कैंसर पाइशिस स्कॉर्पियो है एक्वेरियस जोनाई एंड लिब्रा है कुम्भुना तो तुला राशि है यहाँ पे है पाइशिस मीन राशि यहाँ पे है वी डू हैव एरीज लियो एंड मेष सजेरियसधनो एंड वी डू हैव वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न ऋषभ कन्या और मकर राशि ठीक है so सो यहाँ पे एट सेवन फाइव एटीन एंड फोर आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स बेसिकली क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है अभी यहाँ पे आपका पास्ट में कोई ऐसा ट्रॉमेटिक सिचुएशन जो जनरली आपको दुखी देता है दुख के अलावा और कुछ भी नहीं देता है वो सारे सिचुएशन से आप मूव ऑन करने की कोशिश किए जा रहे हो आप कोई न्यू सिचुएशन पे ऑब्वियसली रिस्क लेके भी ठीक है आप जाना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं पे आसपास के माहौल कुछ इस तरह से है अक्सर ऐसा हो रहा है कि आप कोई ऐसा स्ट्रीम लेके पढ़ना चाहते हैं हायर एजुकेशन करना चाहते हैं या अपना जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस वटैवर बट योर पेरेंट्स आर स्टिल नॉट एग्रींग टू इट ठीक है हो सकता है कि आपके मॉम आपके साथ एग्री नहीं हो रहे हैं ठीक है उनके साथ अक्सर आपका जो है प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो आपको समझ तो पा रहे हैं लेकिन आप शायद उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं या बाईस वर्षा भी हो सकता है बट यू आर रियली पैशनेट ठीक है आपको ये हो सकता है कि आपकी फैमिली क्या जो पूरी जिम्मेदारी है ये आपके कंधों पे ऊपर है ठीक है और आपको अपना फैमिली का जिम्मेदारी बाखूबी निभाना भी है सो कहीं ना कहीं पे आप जज्बात में आके कोई डिसीशंस ही लेना चाहते यू नो यू आर नाउ ठीक है मोर यू नो लॉजिकल दैन इमोशनल सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आप जो मिस्टेक आपने जो गलती ठीक है पास्ट में किया होगा एक समय पे बिकॉज आपका हो सकता है इस उस दौरान आप बहुत ज़्यादा मेचोर थे और फ्यूचर में आप करते ही नहीं उसको करेंगे कुछ लोग आपसे कुछ कमिटमेंट तो दिए थे प्रॉमिस तो किए थे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पेमेंट किया तो प्रॉमिस तो ऐसा ही आता है कि आपको वो सामान मिल जाएगा लेकिन मिला नहीं मे बी एट द वर्क प्लेस मे बी एट द बिजनेस प्लेस मे बी एट लव रिलेशनशिप फैमिली मैटर्स कुछ भी हो रिलेशनशिप प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ लोगों के साथ आपका बहुत ज़्यादा खट्टा हो चुका है कड़वा हो चुका है रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे जगह पे शिफ्ट तो हुए मे बी आप जहाँ पे जाना चाहते थे आप पहुँच तो गए लेकिन वहाँ के माहौल के साथ एडजस्टमेंट करने में दिक्कतें हो रही है हो सकता है कि आपकी शादी हो गई है और आपने एक नई जगह पे पहुँच गए हो और वहाँ का जो इन्वामेंट है उसके साथ अपने आप को जो है फिक्स कर लेना वो थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के सामने या पेरेंट्स के घर में बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव करते थे एंड डेफिनेटली यू हैड द पावर टू टेक डिसीशंस बट वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है या आप ऐसे कोई देश में जाके कि वहाँ का कल्चर समझते समझते रूल्स रेगुलेशन समझते समझते बहुत दिक्कतें हो रही है बट यू नो वट दैट कुछ लोगों ऐसा है कि आप Uh, अभी सिंगल है सो यू आर प्लानिंग और यू आर ड्रीमिंग अबाउट मैरिड लाइफ आप अभी शायद सिंगल है या सेपरेटेड है या डिवोर्स है सो यू आर रेडी ओके टू गेट इन टू द न्यू रिलेशनशिप ओके तो आप आपका एक्सपेक्टेशन आपका उम्मीद इस तरह से है कि ये ये होना चाहिए कोई न्यू वेंचर आपको खोलना है कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिला है सो so आप बिना देखे सोचे समझे आप उसमें कूद जाना चाहते हो सो बेटर यू टेक लॉन्ग टर्म डिसीजन्स जस्ट थिंक अबाउट थोड़ा उसका एडवांटेजेस और डिसएडवाटेजेस जरूर देख लेना सो नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में क्या हो सकता है वो हम देखेंगे सो नेक्स्ट फिफ्टीन डेज हाउ विल इट बी फॉर यू हाउ विल बी और नेक्स्ट फिफ्टीन डेज हाउ विल बी और नेक्स्ट फिफ्टीन डेज शैलिस हिल दिस इज द यू नो फेथ इंग एंड यंग एंड द वेलनेस यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको अगले पंद्रह दिन में प्राप्ति होंगे बहुत सारी खुशियों का ठीक है इमोशनल फुलफिल्मेंट का आपने जो भरोसा और विश्वास अपने ऊपर और भगवान के ऊपर और परवरदिगार के ऊपर रखा था एंड दैट इज गोइंग टू हैपन यहाँ पे इंटरनल पीस दिखाई देता है शांति जो भंग हो चुका था एक समय पे आपका विद इन द नेक्स्ट फिफ्टीन डेज इट इज़ गोइंग टू गेट रिस्टोड कुछ लोगों के लिए फ़िटनेस क्लब कुछ लोगों के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे खुद ही आप जॉइन करेंगे कोई यू नो एनी टाइप ऑफ हेल्थ सेंटर एनी टाइप ऑफ जिमनाशियम ओके एरियाज, हो सकता है कि आप इफ न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी जाए ठीक है फॉर द डाइट चार्ट एवरी थिंग लाइक दैट So, आप अपने बेटर प्रिपरेशन के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे और खुद ही आप करोगे ठीक है मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपकी जो है यू नो इमोशनल साइड और जो लॉजिकल साइड है वो प्रॉपरली बैलेंस अप होगा क्योंकि यहाँ पे है ना आप जो भी डिसीशंस लेंगे वो सिर्फ अपने लिए नहीं फॉर एवरी यू नो सराउंडिंग यू सबके हित के लिए आप डिसीशन लेंगे यहाँ पे आपकी एक मैच्योरिटी दिखाई दे रही है यहां पे इवन आपका सरेंडर भी दिखाई देता है ओके ऑल राइट सो लेट मी सी मोर विद इन द नेक्स्ट फिफ्टीन डेज वट इज गोइंग टू हैपन ओके डिवोशन दिस इज द लैंड स्लॉट एक साथ हम बोल देंगे वी डू हैव ब्रिजिड ओके हमारे पास और है यहाँ पे है आई ग्रेन वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे वी डू हैव द वाइट स्प्रिंग बॉटम ऑफ द डेक विल ऑफ फॉर्चून दैट इज अदर वर्ल्ड सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी के साथ आपका जर्नी ठीक है जो आप डिमांड कर रहे थे जो आप मांग रहे थे प्रेजेंट सिचुएशन पे आप यही चाहते हो कि आपके साथ किसी का यूनियन हो पर वो परमानेंट हो वो दिखावे के लिए ना हो चाहे आप कोई भी जेंडर के हो सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे एक सोल यूनियन आप चाह रहे होंगे आप वो आपको वो पैशनेट लव चाहिए आपको जो है ना कहीं ना कहीं पे यू वांट टुगेदरनेस आप भी इनके लिए सपोर्टिव बनना चाहते हैं वो भी सपोर्टिव आपके लिए बने केयरिंग बने डिवोटेड बने आप ये भी चाहते हैं सो so, कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आपका अकेलापन दूर करने के लिए ऑब्वियसली किसी का यहाँ पे एंट्री हो रहा है जो काफ़ी लॉयल फेथफुल हो सकते हैं ठीक है ठीके? और यहाँ पे आपको जो है ना गर्व होगा उस इंसान के ऊपर मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपके माता के साथ ठीक है जो आपका क्लैश हो रहा था ठीक है जो अक्सर बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स हो रहे थे जो प्रॉब्लम्स होते हैं डेली बेसिस वो स्टॉप होगा कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जैसे बोला जाता है ना झरना के पास अगर आप जाएं हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर बोथ हैव डिफरेंट मेडिसिनल इफेक्ट्स हॉट वाटर का अलग होता है कोल्ड वाटर का अलग होता है हॉट वाटर स्प्रिंग उसका मेडिसिनल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा ही होता है फैंटेस्टिक तो ये हमारे बॉडी का जितना भी दर्द होता है जॉइंट पेन होता है ठीक है अक्सर हमारे कंधों के ऊपर जनरली शोल्डर पेन होता है बैक बोन ठीक है ये सारे इश्यूज़ में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड टू बोन्स, रिलेटेड टू मसल वो सब कुछ हील हो जाता है सो so, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ ऐसा थेरेपीज कुछ ऐसा मेडिकेशन कुछ ऐसा वेलनेस प्रोग्राम स्पा या मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो परफेक्टली काम कर जाएगा यहाँ पे इतना दिनों से हो सता है कि आपकी डाइजेस्टिव इश्यूज या कहीं ना कहीं पे यू नो एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टोमैक ठीक है लीवर एनीथिंग ठीक है वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो सॉर्ट आउट हो रहा है जो मेडिसिन से भी ना हो पाता था पर वो सारे जो टेक्निक्स होते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल लाइक यू नो एनी टाइप ऑफ स्पा थेरेपी, एनी टाइप ऑफ लाइक यू नो मसाज थेरेपी, उससे हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि यू आर एंटरिंग टू द वर्ल्ड ऑफ फिटनेस जहाँ पे सिर्फ फिज़िकल फिटनेस नहीं यहाँ पे मेंटल फिटनेस भी हो रहा है यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको ऐसा लगेगा कि जिस विषय में मैं पैशनेट थी और जिस विषय में मैं पैशनेट हूँ अभी भी वो मेरे और धीरे धीरे आ रहे हैं तो ये कोई एक नया अपॉर्चुनिटी हो सकता है न्यू यू नो स्टेप हो सकता है कि आप ले रहे हो ठीक है आप एक न्यू स्टेप लेंगे और और उस स्टेप और उस डिसीशन को लेने के बाद आपको लगेगा यस यू आर एम्पावर्ड नाउ ठीक है उस तरह से आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो कि ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा समझदार होंगे

अ कनेक्शन लाइक कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके आसपास के माहौल में जैसा आपको लगेगा ना कि नेचर आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी गिफ्ट्स धीरे धीरे दे रहे हैं और आने वाले समय में भी आपको नेचर से बहुत ही जो है ना मैजिकल गिफ्ट्स रिसीव होंगे जिस तरह से आप चाहेंगे ना उसी तरह से मैनिफेस्ट होता रहेगा बट इन अ यू नो वेरी मच पॉजिटिव वे वाइट वे यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक सोल जर्नी आप फॉलो करेंगे यहाँ पे किसी के साथ आपका बॉन्डिंग जो होगा ना एवरलास्ट एवर लास्टिंग बॉन्डिंग होगा मतलब पार्मनेंट बॉन्ड नो टेम्पोरि वन यहाँ पे फैमिली इश्यूज जो सॉल्व नहीं हो रहा था जब भी फैमिली इश्यूज सॉल्व नहीं होते है ना तो हमारे माइंड से अच्छे आइडियाज भी निकल जाएंगे ना ऑफिस में या प्रोफेशनल एरिया पे तभी भी कोई काम नहीं करेगा क्योंकि घर ऐसा जगह होता है घर यू नो हाउस इज़ अ परमानेंट को कंपनी कभी भी हो सकता है कि ऐसा होता है ना कि कुछ लोग रेजिग्नेशन दे देते हैं तो कंपनी उनको छोड़ ही देती है लेकिन घर परिवार के लोग हमें नहीं छोड़ते तो घर का मसला अगर ख़त्म हो जाता है तो मतलब यू विल बी लाइक यू नो सो मच रिफ्रेश इतना दिन से जो चल रहा था इतना दिन से जो क्लैशेस हो रहे थे माँ संबंधित भी किसी के साथ अगर आपका हो रहा था ठीक है अपने परिवार से दूसरे परिवार के साथ भी अगर हो रहा था इट विल बी ओवर एंड इट विल यू नो ईज योर मेंटल टेंशन लास्ट हम जो है तीसरा डेक से देख लेते हैं आपके लिए प्रॉपर एडवाइस बहुत ज्यादा आप ना बैक हुए हो और अभी आगे जाकर और कुछ नहीं होने वाला ट्रेवलिंग लाइटली सिंपलीफाई योर लाइफ सो जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पे आपकी जो है जर्नी मैंने आपको बताया कि स्मूद होगा धीरे धीरे जो पास के बैगेजेस है लगेजेस थे जो भी बर्डन था इट विल बी लाइक चलो वेट चला जाएगा फेलो ट्रैवलर सपोर्ट इज ऑल अराउंड यहाँ पे सिर्फ आप अपने आप को ही अकेला ना समझेंगे यहाँ पे सब लोग जैसे यूनिवर्स जैसे ब्रह्मांड आपको वो करने के लिए मजबूर कर रहे होंगे जो आप जनरली करना ही चाहते थे ओके सो यू विल डेफिनेटली यूनाइट विथ ऑल योर गोल्स एंड मिशन विद इन द नेक्स्ट फिफ्टीन डेज विल स्टार्ट टू वर्क ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट बिगिन नाउ देखा देख योर फर्स्ट स्टेप आप स्टेप करें स्टेप लेंगे मैंने आपको ये कहा था और आपका यहाँ पे कदम ऑब्वियसली पड़ेगा और यहाँ पे जो एक रास्ता जा रहा है वही आपको डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा यहाँ पे जो आप जिनको भी बाय कर रहे हो सो दे कैन बी योर पार्टनर दे कैन बी योर मदर दे कैन बी योर सिस्टर दे कैन बी योर फैमिली मेम्बर जिनको आप अलविदा तो कर रहे हैं लेकिन आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे एंड फिर आप उनको अपने साथ ही लेके जाएंगे उस तरह से मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी वो जो है ना एक नया चैप्टर की तरफ आपका कदम बढ़ता हुआ दिखाई देता है जब एक हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हैं आप ऐसा कोर्स में एंट्री करने जा रहे हो या आप कोई साइड बाय साइड कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ को ठीक है जनरेट करने की कोशिश करेंगे कुछ लिखने की कोशिश करेंगे पब्लिश करने की कोशिश करेंगे जो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन वो पंद्रह दिन का ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आप ऑलरेडी उसके लिए एक पूरी तरह से प्लान या लेआउट आप बोल सकते हैं कुछ डिज़ाइन करना स्केच करना वो आप करना शुरू कर देंगे सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू रीडिंग इज़ आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी लव य लॉड टेक केयर ऑफ़ योर एंड बाय